नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं, मतलब एक बार फिर से समय हो चुका है इस सप्ताह की सबसे जरूरी खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई उन पर चर्चा करने का। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ सप्ताह से हमने कोशिश की है कि ना केवल हम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करें, इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान जो कि कहीं ना कहीं खबरों में चर्चा में रहे हैं उनका नक्शा देखें, समझें कि उनके आसपास कौन से देश हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि हर सप्ताह एक ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि कहीं ना कहीं खबरों में रहा है। तो इसी बात को ध्यान देते हुए ये है हमारे आज के 5 विषय। हम शुरुआत करेंगे भारत और सिंगापुर के संबंधों के साथ। जैसा कि आपको पता है, भारत का यूपीआई और सिंगापुर में इसी तरीके की एक और तकनीक पे नाउ जिसे कहते हैं, जिसके जरिए आप उसी समय किसी को भी पैसे अपने भेज सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपका बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। किस तरह से सिंगापुर का पे नाउ और भारत के यूपीआई को आपस में जोड़ा गया है, इससे पता चलता है भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे भारत और सिंगापुर के संबंध के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार है, जो उनके बीच के व्यापारिक संबंध है उनके बारे में। जैसा कि आपको पता है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, तब से कहीं ना कहीं ये बातें देखी जा रही हैं कि अफगानिस्तान किस तरह से और देशों से अपने संबंध बनाएगा, बेहतर करेगा, या क्या वो संबंध जारी रख पाएंगे कि नहीं। अफगानिस्तान का सबसे नज़दीकी देश पाकिस्तान माना जाता है और माना जाता है कि पाकिस्तान से ही उनका ज़्यादातर व्यापार अभी भी होता है। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे बंद कर दिया गया था। तालिबान ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, पाकिस्तान हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे एक अफ्रीकी देश, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक जो है बुर्किना फासो, उसके बारे में। बुर्किना फासो से फ्रांसीसी सैनिकों की आखिरकार वापसी हुई है। ये बात ऐसी थी जो कि सबको पता था होना है, क्योंकि एक महीने पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा कर दी थी कि एक महीने के भीतर हमारे जितने भी सैनिक हैं वो बुर्किना फासो और माली जैसे देशों से वापस चले जाएंगे। अब जब सैनिकों की वापसी हुई है तो हम चर्चा करेंगे कि ये मुद्दा क्या है, फ्रांस के सैनिकों की वापसी क्यों हुई है, फ्रांस वहाँ पर क्यों था और इसमें रूस का क्या कोई हाथ बताया जा रहा है कि नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम चर्चा करने वाले हैं आज FATF के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। एक कारण चर्चा में रहने का ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। इसके अलावा एक और खबर जिसके लेकर के FATF चर्चा में है वो ये है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को जो एक साल पूरे हुए हैं, एक साल पूरे होने पर FATF ने घोषणा की है कि हम रूस से FATF की सदस्यता छीन रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे FATF क्या है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, इसकी जो सूचियां होती हैं ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वो क्या है और इसका क्या महत्व है। और फिर हम नक्शा देखेंगे बहुत नज़दीक से अफ्रीका का, खास करके अफ्रीका के उन देशों का जहां पे कभी ना कभी फ्रांस अपना कब्जा जमाया हुआ था। ऐसे कौन कौन से उपनिवेश हैं जो कभी ना कभी फ्रांस के अंतर्गत आते थे, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके अभी भी फ्रांस के साथ संबंध बने हुए हैं, इन सब विषयों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय से, जो है भारत और सिंगापुर के संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का UPI जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, जो कि ये तकनीक है जिसकी मदद से आप QR कोड स्कैन करके किसी का मोबाइल नंबर अगर आपको पता है तो उसकी मदद से बिना किसी का अकाउंट नंबर जाने, बिना किसी की बैंक की डिटेल जाने, उसी समय आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इसी तरह की तकनीक एक सिंगापुर में है जिसको पे नाउ कहा जाता है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है, मान लीजिए आप UPI के ग्राहक हैं, आप UPI इस्तेमाल करते हैं, आप UPI की ऐप से ही अगर आप सिंगापुर में हैं तो आप वहां पर भी पैसे भेज पाएंगे। और इसी तरह से कोई सिंगापुर का नागरिक है जो सिंगापुर में ये पे नाउ की जो सर्विस है इसका इस्तेमाल करता है, वो भी UPI का इस्तेमाल करके अब भारतीय ग्राहकों के अकाउंट में सीधा पैसे भेज सकते हैं। ये जो भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर इस तरीके के नेटवर्क को
आपस में मिलाया है, इसका बहुत 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 अहम महत्व है। समझने की कोशिश कीजिए, भारत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और देशों में भेजता है, या तो पढ़ाई करने के लिए, या तो नौकरी करने के लिए, या फिर घूमने के लिए। भारत से सिंगापुर हर साल हजारों में लोग जाते हैं, ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे भारतीय नागरिक हैं जो सिंगापुर में काफी सालों से रह रहे हैं। अब मान लीजिए आप सिंगापुर घूमने जाते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है कि आपको सिंगापुर की जो राशि है, आपको पहले ही सिंगापुर का डॉलर जो है वो खरीदना पड़ता है यहाँ पे, ताकि आप वहाँ पे खर्च कर सकें। फिर आपको जाके संभालना पड़ेगा उसको, वापस आएंगे तो जो बचा हुआ पैसा है उसको आपको फिर से भारतीय रुपये में उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास इस तरीके की कोई एक सेवा आ जाती है, तो आपको ना तो किसी की राशि में आपको अपनी राशि बदलनी है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो आप वहां जाके अपने बैंक अकाउंट से ही वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी के बैंक की जानकारी हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन देशों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जहां के देशों में आपके नागरिकों का आना जाना होता है। भारत ने बहुत सालों से UAE के साथ भी इस तरीके की ही एक साझेदारी करने की कोशिश की है, क्योंकि UAE में भी भारत से बहुत लोग जाते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर भी भारतीय जितने भी हैं वो UPI की तरह ही अपनी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकें। एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि UPI माना जाता है कि भारत से निकलने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा आविष्कारों में से एक है जो दुनिया भर में एकदम अव्वल नंबर के आविष्कार माने जाते हैं। अगर आप ध्यान से सोचिए, जितनी भी तकनीक, जितनी भी नई नई चीज़ें आविष्कार होते हैं दुनिया भर में जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत कम चीज़ें हैं जो दुनिया भर में फैली हैं लेकिन उनकी शुरुआत भारत में हुई है। अगर आप उस स्थिति में देखें तो भारत का UPI और जिस तरीके से UPI बढ़ा है, 2016 से अब तक जितनी तेज़ी से UPI का इस्तेमाल हो रहा है, आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि UPI एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। इस समय अगर आप अपने घर से निकलते हैं बिना अपने पर्स के, बिना बटुए के, बिना पैसे रखे, और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो शायद ही आपको कहीं भी परेशानी हो, फिर चाहे आप सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हो या बड़े से बड़े मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, वो सब चीज़ें UPI के कारण ही हुई हैं। UPI, जैसा कि आपको पता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों जगह पर काम करता है। मतलब UPI के जरिए आप अपने दोस्त को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और UPI के जरिए आप किसी दुकानदार को भी पैसे भेज सकते हैं, और ये उसी समय होता है। देखिए, जब भी कभी पैसे का लेन देन होता है, याद रखिए सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कितना भरोसा है पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले के बीच में। मान लीजिए मुझे आपको पैसे देने हैं, मैंने आपको 10,000 रुपये भेजे और मैं बोलूं कि पैसे अभी नहीं, 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो जो 2 दिन का समय होता है, वो समय जिसके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं उसके लिए इतना लंबे समय होता है कि वो बार बार चेक करेगा अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए। 2 दिन बाद अगर अकाउंट में पैसे नहीं आए तो भरोसा टूट जाएगा, आपने तो कहा था आएंगे, कहाँ अटक गए। जब भी पैसे का लेन देन होता है, जब भी कोई ऐसी तकनीक होती है जो ये कहे कि पैसे का लेन देन उसी क्षण होगा, इस सेकंड मेरे अकाउंट से कटे अगले ही सेकंड आपके पास आ जाएंगे, तो ये तकनीक है जो भरोसा पैदा करती है। और UPI इसीलिए एक सफल तकनीक माना जाता है, क्योंकि ये बिना किसी विलंब के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कारगर साबित होता है। सिंगापुर में भी पे नाउ कुछ इसी तरीके की भुगतान प्रणाली है, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। जो UPI बनाया है वो NPCI ने बनाया है। NPCI, जो रिजर्व बैंक और बहुत सारे और बैंकों ने मिलकर के एक संस्था बनाई, हम UPI में जाने के बजाय, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा कर रहे हैं, तो हम मुड़ना चाहेंगे सिंगापुर से भारत के संबंध के बारे में। सिंगापुर एक तरीके का आदर्श देश माना जाता है, बहुत छोटा सा देश। इतना छोटा देश कि आप मानेंगे समझेंगे कि अरे तो बहुत कमजोर देश होगा, इस पर तो कोई भी आक्रमण कर लेगा, लेकिन फिर भी एशिया के इस छोटे से देश ने अपनी ताकत इतनी बढ़ाई है कि इस समय इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में से एक माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, आप सिंगापुर के नागरिक हैं, तो दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जहां आप बिना वीजा लिए जा सकते हैं, जहां आपको उतरने के बाद भी वीजा मिल सकता है।
दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थापित करना चाहती हैं, क्योंकि वहां की सरकार का काम करने का तरीका, वहां की अर्थव्यवस्था काम करने का तरीका बहुत ही सक्षम माना जाता है। सिंगापुर एशिया का एकमात्र देश है जिसको सारी की सारी प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने AAA रेटिंग दी है। AAA रेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई देश उधार लेना चाहता है बाजार से तो कितने इंटरेस्ट पे, कितना ब्याज उन्हें देना पड़ेगा, ये निर्भर करता है कि आपके देश को रेटिंग कितनी मिली है, क्रेडिट रेटिंग कितनी मिली है। क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होने का मतलब है, AAA होने का मतलब है कि कोई संभावना ही नहीं है कि आप बाजार का उधार वापस नहीं करोगे, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। जब आपकी रेटिंग इतनी अच्छी होती है तो आपको उधार देने वाले बाजार में बहुत लोग होते हैं, किसी को परेशानी नहीं होती, सबको पता है आप तो उधार वापस देंगे ही देंगे, और आपको बहुत कम ब्याज दर पे भी उधार मिल जाता है। तो सिंगापुर की क्रेडिट रेटिंग AAA है, एशिया का एकमात्र ये ऐसा देश है। यही नहीं, सिंगापुर की भारत के साथ जो मित्रता है वो काफी पुरानी है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप सिंगापुर को देखेंगे, सिंगापुर कहां पर है, वो स्टेट ऑफ मलक्का वाला जो इलाका है पूरा, जहां से भारत को व्यापार में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। भारत के बड़े बड़े जहाज जो सामान लेके चीन से आते हैं या चीन की तरफ जाते हैं, वो सब सिंगापुर के सामने से ही निकलते हैं। तो सिंगापुर से भारत के संबंध बहुत बेहतर हैं और होने भी चाहिए। सिंगापुर ने एक और बहुत अच्छी चीज की है, दुनिया भर में सिंगापुर मध्यस्थता के लिए बहुत मशहूर है। सिंगापुर में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो दुनिया भर के झगड़ों में मध्यस्थता कराते हैं। दुनिया भर में कहीं भी झगड़ा हो, किसी दो देश के बीच में, सरकार या किसी बड़ी कंपनी के बीच में, आमतौर पर वो सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर में मध्यस्थता कराने में बहुत ज्यादा सिंगापुर को सक्षम माना जाता है। सिंगापुर से भारत के संबंध बहुत पुराने हैं, ये चोला साम्राज्य के समय से ही भारत और सिंगापुर का आपस में संपर्क था। अभी भारत और सिंगापुर में व्यापार को लेकर के, खास करके जो हमारे संबंध हैं वो काफी मजबूत है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां से भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है साल दर साल। यही नहीं, भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं बहुत समय से। बहुत सारे भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जो सिंगापुर के नागरिक बन चुके हैं। तो भारत और सिंगापुर हमेशा से ही बहुत करीबी देश माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया, सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसकी मदद से भारत आसियान देशों के भी बहुत करीब आ चुका है। आसियान, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसा समूह है जिसमें सिंगापुर भी उसका एक भाग है। सिंगापुर से हमारे अच्छे संबंध हमें ये मदद करता है कि हम आसियान के और देशों के भी और करीब आए। इस समय भारत के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सिंगापुर के साथ ही चल रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के जो बड़े बड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंगापुर की मदद से, या तो सिंगापुर से निवेश आया है या सिंगापुर से जानकारी तकनीक आई है। भारत का आपको पता होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत सरकार बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में आधुनिक तकनीक लेके आना चाहती है, उस प्रोजेक्ट में भी निवेश सिंगापुर ने बहुत बड़ी मात्रा में किया है। तो सिंगापुर भारत के विकास में भारत के साथ खड़ा होकर के भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है। साल दर साल भारत से बहुत सारे पर्यटक सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर से भी कई लोग भारत आते हैं। कई सारे क्षेत्रों में सिंगापुर भारत की मदद कर रहा है, जैसे मैंने बताया, फिर चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे बंदरगाह बनाने में, इसके अलावा और सारे जितने भी औद्योगिक पार्क हैं, टेक्नोलॉजी पार्क जिनकी आप बात करते हैं, वो सब कुछ बनाने में भारत को सिंगापुर मदद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत छोटे से देश होने के बावजूद इतनी ज़्यादा उन्होंने सफलता प्राप्त की है। भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं, याद रखिएगा, ऐसे शहर हैं भारत में जो पूरे सिंगापुर देश से बड़े हैं। तो जस्ट एक बार सोच के चलिए कितना छोटा सिंगापुर है, कितनी छोटी उनकी आबादी है, और उसके हिसाब से कितनी उनकी आय है, किस हिसाब से वो अपना विकास कर रहे हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपसे एक साझा करना चाहता हूं। अगर आप देखें कौन कौन से देश से भारत को विदेशी निवेश आता है साल दर साल, तो आमतौर पर जो देश आप सबसे ऊपर पाएंगे हर साल वो मॉरिशस, सिंगापुर, अमरीका, इन्हीं में से एक दो तीन आमतौर पर चलता है। उसमें से भी मॉरिशस और सिंगापुर दो ऐसे देश हैं जहां से भारत को बहुत विदेशी निवेश मिलता है साल दर साल।
अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमारे सिंगापुर से इतने अच्छे संबंध हैं, वहां से विदेशी निवेश भी आता है। लेकिन दूसरा तरीका यह है, कई सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि ध्यान से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि असल में सिंगापुर से जो विदेशी निवेश आ रहा है वो असल में चीन का पैसा है। ऐसा कैसे? चीन की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सिंगापुर में जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर खोला हुआ है। अब चीन से पैसा भारत अगर आएगा तो भारत सरकार उसे नहीं आने देगी। भारत की सरकार ने आपने देखा होगा कई बार चीन की कभी ऐप को बैन कर दिया, चीन की किसी और कंपनी को बैन कर दिया। तो चीन का पैसा अगर भारत चीन से ही होकर के आएगा तो आमतौर पर उन्हें भी पता है कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चीनी कंपनियों का पैसा जाता है सिंगापुर और वहां से वो विदेशी निवेश के रूप में भारत आता है काफी बड़ी मात्रा में, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं। तो सिंगापुर से आने वाला विदेशी निवेश, इसको जैसा मैंने कहा दो तरीके से देखा जा सकता है कि या तो ये चीन का पैसा आ रहा है और दूसरा तरीका ये देखा जा सकता है कि हाँ भाई अच्छा देश है, हमारी मदद कर रहा है, हमें क्या परेशानी है। ये है भारत और सिंगापुर के संबंध आज के समय। आगे चलते हैं, दूसरी खबर इस सप्ताह जो चर्चा में थी वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का व्यापार। अगर आप, और मैं आपको पहले मैप दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये जो सीमा रेखा है इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आराम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में व्यापार हो सकता है। ये व्यापार जो होता है ये तीन चार जगह से होता है, उसमें से ये जो इलाका है इसको तोरखम कहा जाता है। ये काबुल के पास पड़ता है, यहां से ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं। अब हुआ क्या, मुद्दा कुछ ये था कि अफगानिस्तान जहां पे तालिबान का राज है इस समय, अब जब से तालिबान की वापसी हुई है अफगानिस्तान में, आपको भी पता है कि बहुत अच्छे से सरकार नहीं चल पा रही है। विकास के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, लोगों का स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया है, कुछ भी वहां पे इस तरह का नहीं हो रहा है कि लोगों के जीने का जो तरीका है वो बेहतर हो। अब अफगानिस्तान में बहुत सारे अस्पताल भी नहीं है, जो अस्पताल थोड़े बहुत भारत ने खोले थे और कुछ देशों ने मदद से खोले थे वहां पर भी दवाओं की कमी है, डॉक्टर कई सारे छोड़ के भाग गए हैं। तो इस समय अफगानिस्तान में एक परेशानी ये बहुत हो रही है कि जब लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उनके पास अपने इलाज कराने का कोई जरिया बचा नहीं है। तो हाल ही में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, उस समझौते में ये कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान में किसी की तबीयत खराब होती है और उन्हें इलाज के लिए पाकिस्तान आना पड़ता है तो उन्हें बिना वीजा के, बिना किसी दस्तावेज के पाकिस्तान आने की अनुमति होनी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि अगर हमारे देश में कोई बीमार पड़ता है, किसी को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो उन्हें पाकिस्तान आने देना चाहिए बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के। पाकिस्तान ने कहा कि हाँ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ करके खलल डालना शुरू कर दिया और जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उनको भी रोका। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो ये इलाका है जो अफगानिस्तान के पास पड़ता है, यहां पाकिस्तान की अपनी बहुत परेशानियां हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले चर्चा भी की थी, पाकिस्तान में अगर आपने ध्यान दिया बहुत सारे आतंकी हमले हो रहे हैं, एक नया संगठन बन के उभरा है तहरीक तालिबान। ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बार 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 बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनके ही जो अफसर हैं उनके ही ऑफिस पर हमला कर दिया जा रहा है। कुछ समय पहले पेशावर में एक स्कूल पर हमला कर दिया गया था। ये जो आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ये जो हमले कर रहा है इस इलाके में, पाकिस्तान का मानना है कि उन्हें तालिबान से मदद मिल रही है। पाकिस्तान का मानना है कि बिना तालिबान की मदद के ये संगठन काम नहीं कर सकता और पाकिस्तान को लगता है कि अगर हमने मानिए बॉर्डर खोल दिया कि अफगानिस्तान से कोई भी पाकिस्तान आ सकता है बोल के कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे तो भाई कोई भी आतंकवादी मान लीजिए अफगानिस्तान से आ जाएगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ जाएगा तो हम कैसे रोकेंगे। तो पाकिस्तान ने यह सोच करके वो जो समझौता किया था
उसमें भी लोग जब यहाँ पे आना शुरू हुए तो उन्होंने कुछ पाबंदी लगाना शुरू कर दी जो कि तालिबान को नहीं पसंद आई। तो तालिबान ने क्या किया, उन्होंने ये जो इलाका था, ये जो बॉर्डर है जहां से व्यापार होता है ज्यादातर तोरखम, ये वाला इलाका, इसको बंद कर दिया था कि ठीक है फिर हम ऐसा करते हैं यहां से व्यापार रोक लेंगे। पाकिस्तान को यहां से परेशानी होना शुरू हो गई, पाकिस्तान ने गुहार लगाई उनके रक्षा मंत्री ने कि आप इसे खोलिए, हम लोगों को आने से नहीं रोकेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गुहार लगाने के बाद आखिरकार सामान्य व्यापार की दोबारा से यहां पर शुरुआत हो गई। हजारों ट्रक यहां पर खड़े हुए थे एक के पीछे एक लगभग एक सप्ताह से, क्योंकि इस सीमा को बंद कर दिया गया था। तालिबान ने कहा था हम यहां पर नहीं आने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने चिकित्सा के लिए भी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जिन्हें आना था उन्हें आने नहीं दिया, तो अब हम इस बॉर्डर को, इस इलाके को पूरी तरह से पूर्णतः बंद करने वाले हैं। और ये जो यहां पर हुआ अफगानिस्तान में, फाइनली आखिरकार तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानकर वो बॉर्डर जो इलाका था वो खोल दिया। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि इसके बाद फिर से इस बॉर्डर वाले इलाके को शायद बंद कर दिया गया है। ये जो दो देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके बीच अभी भी बहुत परेशानियां बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा, परेशानियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस समय एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये जो हमले हैं ये अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के बिना नहीं हो सकते हैं। आपने एक हिलरी क्लिंटन का नाम सुना होगा शायद। हिलरी क्लिंटन जो कि अमेरिका में, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी, उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने खुद भी चुनाव लड़ा, डोनाल्ड ट्रंप से वो चुनाव हारती हैं। हिलरी क्लिंटन बराक ओबामा के समय वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जिनको कि जैसे हमारे गृह मंत्रालय है वैसे माना जाता है। कुछ सालों पहले वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी, वो अंग्रेजी में कही थी। पहले मैं अंग्रेजी में बताता हूँ बात क्या थी और हिंदी में उसका मतलब बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि इफ देर आर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, और इफ यू आर कीपिंग स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द स्नेक्स विल ओनली बाइट योर नेबर्स। मतलब कि उन्होंने कहा था अगर आप अपने आंगन में सांप पालते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि ये सांप मेरे सगे हैं, ये तो केवल मेरे पड़ोसी को काटेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सांप सांप होता है, वो आपको भी काट सकता है और पड़ोसी को भी काट सकता है। तो उनका इशारा इसी तरफ था कि अगर पाकिस्तान किसी आतंकी संगठन या आतंकवादियों की मदद करे, केवल ये सोचे कि हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये तो केवल भारत को चोट पहुंचाएंगे, ये तो केवल अफगानिस्तान में चोट पहुंचाएंगे, ये हमारे सगे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो आतंकवादी हैं तो कभी ना कभी वो भारत, पाकिस्तान, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी आतंक फैलाएंगे, और यही इस समय हो रहा है और यही पाकिस्तान की परेशानी इस समय बनी हुई है। अगली खबर अफ्रीका से है। अफ्रीका ही नहीं, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बुर्किना फासो से फ्रांस के सैनिकों की वापसी हुई है। थोड़ा सा एक बार समझते हैं पृष्ठभूमि इसकी, ये क्या है, अफ्रीका में फ्रांस क्यों है और वहां से क्यों वापस आ रहा है। देखिए, याद करिए वो समय जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों के शासनकाल में केवल भारत नहीं, एशिया के बहुत सारे देश थे जो कि अंग्रेजों के अधीन थे। फिर चाहे भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, ऐसे बहुत सारे देश थे इस इलाके में जो कि अंग्रेजों के ही अधीन थे। हुआ ये था कि 18वीं-19वीं शताब्दी में ये जो बड़े बड़े देश थे, पश्चिमी देशों ने एक तरीके से बंटवारा कर लिया था कि ब्रिटेन को बोला कि ठीक है आप एशिया में जाइए, कब्जा करिए, हम वहां पे नहीं आएंगे। इसी तरह से फ्रांस के पास अफ्रीका का बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। अगर आप अफ्रीका, मैं आपको पहले ये दिखा दूं मैप, अगर आप ये अफ्रीका देखें, ये पूरा इलाका यहां से यहां तक ये सब फ्रांस के कब्जे में हुआ करता था। ये इलाका बहुत, ये इलाका, ये सारा का सारा इलाका फ्रांस के कब्जे में हुआ करता था, क्योंकि फ्रांस को पता था कि अमेरिका से सोना, चांदी, हीरे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें मिल सकती हैं। तो फ्रांस का एक ऐसा इतिहास रहा है जहां पे अफ्रीका के बहुत सारे देश उनके अधीन आते थे। इस समय अगर आप देखें, फ्रांस के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं अफ्रीकी मूल के हैं।
अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल की टीम देखते हैं, फ्रांस की फुटबॉल की टीम कभी देखिए, आधे से ज़्यादा लोग जो फ्रांस की फुटबॉल टीम में है वो कहीं ना कहीं अफ्रीकी मूल के ही हैं। अब हुआ क्या है, क्योंकि फ्रांस इतने बड़े अफ्रीकी पे कब्जा करता था, तो फ्रांस को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि अफ्रीका के उस इलाके में जहां पर वो थे कुछ भी गलत हो तो फ्रांस वहां पे एक मदद करने के लिए पहुंचे। तो कभी भी किसी भी देश में कोई परेशानी होती है, सैनिकों की जरूरत होती है, कोई और परेशानी होती है अफ्रीका में, तो फ्रांस सबसे पहले आता है कि हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इन देशों के नागरिक में, जैसे मैंने कहा, फ्रांस में भी जाके बस चुके हैं। इसीलिए अफ्रीका में अगर आप देखिए, ज्यादातर देशों में फ्रांसीसी भाषा ही चलती है, क्योंकि उनका इतना पुराना संबंध रहा है फ्रांस से। अब आते हैं बुर्किना फासो के ऊपर। बुर्किना फासो एक ऐसा देश है अफ्रीका का जो बहुत 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 गरीब देश है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं एक बार, ये रहा बुर्किना फासो, आप देखें यहां पे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है यहां पे। यहां पे पिछले कुछ सालों से सरकार को हटा करके जो वहां की सेना है उन्होंने कब्जा कर लिया है, और ये ऐसी सेना नहीं है कि देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। माना जाता है कि ऐसी सेना है जिसमें कुछ आतंकवादी जो कि जिहादी कट्टरवादी आतंकवादी हैं वो शामिल हो गए हैं। तो एक तरीके से सेना और जिहादी कट्टरवादी आतंकवादी मिल करके इस समय बुर्किना फासो पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है काफी समय से। और यही नहीं, उनके बगल का देश है माली, वहां पर भी यही स्थिति पैदा हो गई है। स्थिति इतनी बुरी है कि जो वहां की चुनी हुई सरकार है उसके पास देश का लगभग केवल आधा हिस्सा ही है जहां पर उनका शासन चलता है, बाकी पर वहां की जो सेना है वो तय करती है क्या होगा। अब हुआ क्या है, फ्रांस ने बहुत समय से अपनी सेना भेजी हुई है बुर्किना फासो में सरकार की मदद करने के लिए कि हम मदद करेंगे आपकी, जो ये आपकी खुद का सेना, आपकी खुद की सेना आपके खिलाफ हो गई है, जो आतंकवादी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, हजारों लोगों को मार रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम मदद करेंगे। तो फ्रांस ने अपनी सेना भेजी हुई थी। अब हुआ क्या, बुर्किना फासो में सरकार ने कहा एक महीने पहले कि हमें नहीं चाहिए, आप जाइए यहां से, हमें आप नहीं पसंद आ रहे हो क्योंकि हमें लगता है आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो। इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है कहा जाता है वो रूस का भी है। कहा जाता है बुर्किना फासो में जो सरकार है उन्हें रूस ने कहा है कि अरे आप फ्रांस वांस को छोड़िए, हम आते हैं आपकी मदद करने के लिए, हम अपनी तरफ से भेजेंगे बहुत बड़े बड़े हथियार आपको देंगे, आप चिंता मत करिए, आप लड़िए, आपको पैसा देंगे। क्यों ऐसा रूस कर रहा है? देखिए, अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पर अभी दुनिया भर के देश इस समय आना चाहते हैं। उनको पता है अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, ऐसे खनिज पदार्थ हो सकते हैं जिनको कि वो निकाल करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। चीन, भारत, जापान, अमेरिका, सारे के सारे बड़े बड़े देश इस समय अफ्रीका में निवेश करते हैं, करना चाहते भी हैं। इसीलिए इस समय रूस ने कहा है कि अरे आप फ्रांस को छोड़िए, आप हमारी सेना की मदद लीजिए, हम आपको मदद करेंगे। रूस में भी एक बहुत दिलचस्प एक संगठन है जिसको कि वैगनर समूह कहा जाता है। वैगनर समूह, ये वैगनर समूह क्या है? देखिए, वैगनर एक बहुत दिलचस्प समूह है। ये एक तरीके की निजी आर्मी मान लीजिए, ये रूस में एक निजी आर्मी है। ये एक ऐसे इंसान की है जो पहले खुद आर्मी में हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया है, रूस में जो बड़े 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 अपराधी आतंकी थे जेल में, उनको जेल से छुड़ा के उनको अपनी नौकरी पर रख लिया कि आप चिंता मत करिए, आप हमारे लिए युद्ध लड़िए, हम आपको हथियार देंगे, आप लोगों को मारिए। और ये जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनके ही इशारों पर काम भी करते हैं। व्लादिमीर पुतिन इनसे क्यों काम करवाते हैं? व्लादिमीर पुतिन को पता है कि जहां पे मैं रूस की सेना नहीं भेज सकता हूं या नहीं भेजना चाहूंगा कि लोग बोलेंगे अरे रूसी सेना ये कर रही है, वो कर रही है, लोगों को मार रही है, तो इसके बजाय मैं वैगनर समूह के लोगों को भेज दूंगा कि आप जाइए। यूक्रेन में युद्ध में भी वैगनर समूह का बहुत 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 बड़ा हाथ है। ये एक निजी संगठन है, निजी सेना जिसे कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं इनके पास। ये खुद वो लोग हैं जो या तो सेना में थे पहले या खुद बहुत बड़े बड़े कुख्यात अपराधी थे, और ये पैसे के लिए ही काम करते हैं। और रूस इन्हीं को वहां पर भेज रहा है बुर्किना फासो में उनकी मदद करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा,
ये व्लादिमीर पुतिन जो है ये वैगनर समूह के साथ मिलकर ये करना चाह रहे हैं। वैगनर समूह से आसानी ये हो जाती है व्लादिमीर पुतिन को कि वो कोई गलत काम करते हैं, अगर मानिए लोगों को मार रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो भाई व्लादिमीर पुतिन कहते हैं तो मेरी सेना है ही नहीं, मुझे क्या पता ये लोग कौन है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। और वहीं पर अगर ये कोई अच्छा काम करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो ये चुपचाप ये व्लादिमीर पुतिन को वो कब्जा सौंप देते हैं और फिर वो आ जाते हैं। बुर्किना फासो में स्थिति बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है, बुर्किना फासो ही नहीं, माली में भी जो उनके पड़ोसी देश है वहां भी स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। अगर आप देखें ये अफ्रीका का उत्तरी भाग है, अफ्रीका आम तौर पर वैसे ही कहा जाता है कि अफ्रीका गरीब जो देश है वो कई सारे हैं अफ्रीका में, उसमें से भी अगर आपने ध्यान दिया हो कई बार कहा जाता है कि सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका वो सबसे गरीब इलाका है। वो क्या इलाका है, देखिए ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये है सहारा का रेगिस्तान, इतना बड़ा जो सहारा का आपको रेगिस्तान दिख रहा है, सहारा रेगिस्तान के अगर आप दक्षिण में आएंगे तो एक इलाका पड़ता है इसको साहेल कहा जाता है। ये इलाका साहेल के नीचे का जितना भी अफ्रीका है, साहेल के दक्षिण में जितना भी अफ्रीका आता है उसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है, मतलब कि जो आपका सहारा रेगिस्तान है उसके दक्षिण का जो इलाका है उसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाएगा। वो इलाका दुनिया भर के सबसे गरीब इलाकों में से एक माना जाता है, और ये इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। और आप ध्यान से देखिए बहुत सारे गरीब देश दुनिया भर के इस समय यहाँ पर हैं। एक और नक्शा हम थोड़ा बाद में भी इसके बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो कि इस सप्ताह चर्चा में रहा और पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इन्होंने घोषणा की कि हम रूस को अपनी सदस्यता से हटा रहे हैं। एक साल पूरा हो चुका है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, अभी भी कोई भी शांति वार्ता नहीं हो रही है, और एक तरीके की सजा देना चाहते हैं रूस को कि उन्होंने ये आक्रमण किया। क्या रूस को इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस को या इस संगठन का हिस्सा होकर किसी देश को इतना कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। ये संगठन क्या है और ये क्या करता है पहले ये समझते हैं। ये संगठन की शुरुआत 1989 में G7 देशों ने की थी। इनका मतलब क्या था, इनका मकसद था कि दुनिया भर में ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन कौन से देश की सरकारें हैं खास करके जो कि पैसे का गलत इस्तेमाल करती हैं। मानिए कोई सरकार है जो कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है या किसी और देश से उधार लेती है और वो आतंकवादियों को दे देती है, या कोई सरकार है जो पैसा लेती है और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके हथियार खरीद के किसी और को दे देती है, या फिर गैर कानूनी पैसे को लेकर के उसे कानूनी बनाया जाता है। इस तरीके की सरकारों को ढूंढने के लिए और उन्हें विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ा अलग रखने के लिए इस समूह की शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी अवैध तरीके से आपने पैसा कमाया और उस पैसे का इस्तेमाल आप कोई वैध चीज खरीदने के लिए आप करते हैं। लेकिन उसके बाद जब अमरीका पर आतंकी हमले हुए तो आतंकवाद से निपटने के लिए भी इस समूह का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आतंकवाद से कैसे निपटते हैं, ये कोई हमला नहीं करते किसी के ऊपर, ये देखते हैं कि कौन से संगठन हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, फिर ये देखते हैं उन संगठनों को पैसा कहां से आ रहा है। भाई अगर आप कहते हैं कि एक लश्कर तैयबा है, या आप कहते हैं अलकायदा है, या आप कहते हैं कि आइसिस है, तो वो कहां से पैसा ला रहे हैं, कैसे उनके पास इतने हथियार हैं, कैसे उनके पास बम है, कहां से वो पैसा पा रहे हैं, ये जांच करना FATF का काम है। वो देखते हैं कि कौन से देश की सरकार उनकी मदद कर रही है, जिन देश की सरकारें उनकी मदद कर रही हैं उन पर कोई ना कोई तरीके का दबाव बनाया जाता है। कोई सजा नहीं दे सकते आप, लेकिन उन पर दबाव कैसे बनाया जाता है, उनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि दुनिया भर को पता चले कि भाई ये देश से बच के रहना है, इसको पैसा नहीं देना है, इसको पैसा दिया अगर तो मतलब समझ लो आपका पैसा आतंकवाद में जा रहा है। इस समय अगर आप रूस को अभी इसका सदस्य गिने तो 39, रूस को हटा दें तो 38 सदस्य इसमें होंगे कुल मिलाकर के। इसमें से दो क्षेत्रीय संगठन भी इसके हिस्सा हैं,
यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद। क्या भारत इसका हिस्सा है? जी हाँ, ये देश हैं जो इसके सदस्य हैं इस समय, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा वगैरह वगैरह। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत भी इसका हिस्सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिए, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जब अपनी अलग अलग सूची जारी करते हैं, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, तो ये केवल अपने सदस्यों की सूची नहीं जारी कर रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे देशों को उस सूची में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मत समझिए कि जितने सदस्य देश हैं केवल अपने ही बारे में, अपने बारे में सूची डालते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो सूची इनकी आती है, इस सूची में दुनिया भर के सारे देश होते हैं। यहां पर रूस अब हट गया है, तो ये अब हो गए हैं 38 कुल मिलाकर के दो समूह, और ये बाकी जो देश हैं। भारत इसका हाल ही में सदस्य बना है, हमेशा से भारत सदस्य नहीं था। अब जैसा मैंने कहा, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के नाम से दो सूचियां निकालते हैं। कब कब निकालते हैं? ये असल में साल में तीन बार इनकी बैठक होती है, फरवरी में, फिर जून में और फिर अक्टूबर में। ये तीन बार बैठकें होती हैं और देखते हैं कि कौन कौन से देश को किस सूची में होना चाहिए। अब ये सूची क्या है? पहले बात करते हैं काली सूची की। काली सूची मतलब वो देश जो खुले तौर पर आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे देश जिनकी शायद सरकारों और आतंकवादी के बीच में कोई किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं बदलाव नहीं है, या किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं है। जो जो निर्णय इनकी सरकार लेती है वो निर्णय आतंकवादियों को उसी समय पता चल जाते हैं, या फिर आतंकवादियों के कहने पर ही वो निर्णय लिए जाते हैं। इतनी ज्यादा घुली मिली सरकार है किसी देश की, तो उनको काली सूची में रखा जाता है। मतलब ऐसे देशों से तो आपको बिल्कुल बच के रहना है, आपको बिल्कुल भी उनको पैसा देना नहीं है। दूसरी सूची है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब ऐसे देशों की सूची जहां पर सरकारें कोशिश तो करती हैं कहीं ना कहीं कि वो आतंकवादियों तक पैसा ना पहुंचे, लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं, किसी ना किसी कमी के कारण जो ग्रे लिस्ट में देश हैं उनका पैसा निकल के आतंकवादियों के हाथ में पहुंच ही जाता है। पाकिस्तान इसी सूची में था काफी समय तक। जब किसी भी देश को ग्रे लिस्ट ऐसी सूची में डाला जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि किस कारणों से आपको इस सूची में डाला जा रहा है। उन्हें यह भी कहा जाता है हम आप पे नजर रखेंगे, अगर आगे आने वाले महीनों में आपने अच्छा काम किया कि आपने कोशिश की कि भाई पैसा आतंकवादियों पे नहीं जा रहा है, आपने जो भी अपनी खामियां थी उनको ठीक किया, तो हो सकता है आपको ग्रे सूची से निकाल दिया जाए, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऐसा नहीं होने से रोकते या आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाके आपको ग्रे से काली सूची में भी डाल दिया जाए। ये दो सूचियां हैं अलग अलग। ब्लैक लिस्ट में इस समय कौन कौन है? ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार, ये तीन देश हैं जो कि ब्लैक सूची में हैं। म्यांमार को हाल ही में यहां पर लाया गया है, जब से म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके म्यांमार पे कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से, तब म्यांमार को लाया गया हाल ही में। उससे पहले नहीं तो ईरान और उत्तर कोरिया ही थे यहां पे। ये दो ऐसे देश हैं जैसा मैंने कहा जहां की सरकारों को खुले तौर पर आतंकवादियों का समर्थक माना जाता है, और ग्रे लिस्ट उन देशों की सूची है जिनमें कुछ कमियां हैं, जिन्हें कहा गया है इन कमियों को सुधारिए, सुधार लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? FATF अगर ये ग्रे और ब्लैक इस तरह की सूची जारी करती है, नुकसान यही है कि आपको उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन से या किसी भी और देश से आर्थिक मदद मिलने में काफी परेशानी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो सकती है कि आपके साथ देश व्यापार करने से बचे सोच के कि भाई आपका पैसा या उनका पैसा तो आतंकवादियों के हाथ में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार झेलने को मिल सकता है, ऋण प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है जो कि अभी अभी हुई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, IMF से उनको बार बार लोन लेना था, IMF ने भी कहा लोन तभी देंगे जब आप ग्रे सूची से हटिए, वहां से हटने की कोशिश करिए, तो ये सारी परेशानियां होती हैं।
ये कोई सजा नहीं दे सकता है FATF, याद रखिएगा, वो केवल दुनिया भर को ये बता सकते हैं कि भाई इन देशों से बच करके रहिए, क्योंकि ये देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। ये अंतर है दोनों देशों के बीच में, दोनों सूचियों के बीच में। जैसे मैंने कहा, FATF से में भारत और के रहते हुए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के कहने पर ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया भी गया है। ग्रे लिस्ट से किसी देश को हटाया तब जाता है जब सारे देश उसके लिए हामी भरते हैं। मतलब भारत ने भी हामी भरी कि ठीक है, आप पाकिस्तान को इस सूची से हटा दीजिए, क्योंकि हमें लगा कि ठीक है, इन्होंने कुछ प्रगति दिखाई है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है कि आतंकवादियों पे कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पैसा वहां तक ना पहुंचे। तो भारत ने भी समर्थन किया पाकिस्तान को इस सूची से हटाने का, तभी पाकिस्तान को यहां से हटाया गया है। आज का जो आखिरी हम लोगों का मुद्दा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम कोशिश करते हैं कि हर बार एक ऐसे स्थान जो कि कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है उसके नक्शे को देखें और देखें कि वहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस के कब्जे में था। ये सारे के सारे देश जो आप देखें कहीं ना कहीं फ्रांस के उपनिवेश थे। किसी को 1956 में आज़ादी मिली, किसी को 60 में, और किसी को तो 1977 में आकर के आज़ादी मिली है। ये वो सारे देश हैं जिनको फ्रांस अभी भी अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझता है। फ्रांस कहीं ना कहीं समझता है कि अगर इनमें कोई खराबी है या इनमें कोई परेशानी है तो हम जाकर उनकी मदद करें। ये ऐसे देश हैं जैसे मैंने बताया जहाँ पे फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है अभी भी। इनमें से बहुत सारे देश के लोग अब फ्रांस के नागरिक बन चुके हैं। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था, अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो आप मान लीजिए कि ये सहारा का रेगिस्तान है, उसके बाद आप इसको सहेल इलाका मानेंगे, और ये जो इसके नीचे का इलाका है इसको आप कहते हैं सब सहारन अफ्रीका। ये सब सहारन अफ्रीका ही वो इलाका है जिसको कि दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक माना जाता है। इसके अलावा एक और इलाका अफ्रीका का जो कि आपको पता होना चाहिए, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये चार देश आते हैं, एरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया। इसमें से सोमालिया वो देश है जहाँ के जो पायरेट्स जिन्हें कहते हैं, जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं, वो बहुत कुख्यात हैं, बहुत गरीब देश है। तो यहाँ के कई सारे लोग समुद्री लुटेरे बन जाते हैं, अलग अलग जहाज़ों को लूटते हैं। जिबूटी एक ऐसा इलाका है जिसमें लगभग पूरा देश चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। इनमें जितना भी किसी भी तरीके की चीज़ें बनी हैं चीन के पैसों से ही बनी है। चीन ने अपनी नेवी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है। चीन का बहुत सारे सैनिक चीन के हमेशा यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो चीन भी उन देशों में से एक है जो कि अफ्रीका में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रखना चाहते हैं। ये था हमारा आज का इस सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कार्यक्रम। आपको पता है हर बुधवार रात 8 बजे आपको यहाँ पर जुड़ना है हमारे साथ ये कार्यक्रम देखने के लिए, ताकि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सभी बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें आपको ये कैसा लग रहा है, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर लेकर के और उनके साथ ये देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले बुधवार रात 8 बजे एक बार फिर से। जय हिंद।